वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मीन्स जो सीखने वाले हैं, वो हैव और हैज का यूज सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि हैव हैज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पास होना। कोई भी चीज अगर हमारे पास है तो उसके लिए हमको हैव और हैज का प्रयोग करना पड़ता है इंग्लिश में। अब बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन की। तो यहाँ पास आप आइडेंटिफिकेशन पहला और दूसरा देख सकते हैं। जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है वो है पास है, मीन्स जब भी कभी लास्ट में आपको है मिले और बीच में आपको पास की बात करे। जैसे यहाँ पास कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, मेरे पास एक सूज है, उसके पास सरकारी जॉब है। तो यहाँ पास देखिए पास 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 आया हुआ है और लास्ट में देखिए है आया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम उसको हैव और हैज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिफिकेशन की। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है? आर ई ए के साथ है, मींस आपका यहाँ पास जो सेंटेंस है उसमें देखिए, शुरू में देखिए यहाँ पास फर्स्ट वर्ड में आ, मेरी मींस ई, आ मींस उसका, मींस मेरे मींस ए, मींस आ ई आ ए, मींस यहाँ पास क्या आ रहा है? सेकेंड आइडेंटिफिकेशन। और लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? तो इन सभी सेंटेंसेस को हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? हैव और हैज के अकॉर्डिंग, जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। बात क्लियर? इसके बाद से हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से हैव और हैज। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हैव हैज किसके साथ यूज होता है, फिर भी मैं बता देता हूं। हैव आपका आई, वी, यू और दे के साथ यूज होता है, और हैज की अगर हम बात करें तो ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने काफी अच्छे से डिटेल दिया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। यहां पास हैव हैज के बाद क्या यूज किया जाएगा? नाउन। जबकि लास्ट वीडियो में हम हैव हैज के बाद टू प्लस भी वन यूज किया करते थे और उसमें आइडेंटिफिकेशन ना है, नी है, ने है था, ठीक है। तो यहां पास जब भी कभी नाउन यूज होगा तो नाउन से जस्ट पहले आपको याद रखना है आर्टिकल ए, एन और द यूज करना पड़ता है। उसके बाद से हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस का होगा, फिर लास्ट में हमको आरपी यूज कर देना है। बात क्लियर? अब कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं इसी स्ट्रक्चर के बेस पे। एक सेंटेंस है, मेरे पास एक सूज है। तो मेरे पास है मींस मेरे पास है, आइडेंटिफिकेशन देखिए मैच कर रहा है मेरे मींस आई, क्या फॉर्म लगेगा? सब्जेक्टिव फॉर्म। जबकि मेरे का मतलब क्या होता है? माय। लेकिन यहां पर कौन सा फॉर्म लगेगा? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई, आई के साथ क्या लगेगा? देखिए हैव, क्या लिखेंगे? हैव। हैव के बाद क्या है? नाउन एक सूज, तो उसके जस्ट पहले क्या लिखा गया है? एक। तो एन, यहां पास एन लगेगा, क्या? एन। एन के बाद क्या लगेगा? आइडिया, ठीक है। अब यहां पास आइडिया के पहले हमको एन क्यों लगाना पड़ा है वो आर्टिकल के हम टॉपिक में बता देंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसके पास सरकारी जॉब है। उसके पास मीन्स She has a government job. बात क्लियर? तो यहां पर देखिए has का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहां पर she के साथ has लगेगा। A government job means noun क्या है? Government job, तो इसके पहले a लगाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की, मीन्स एग्जाम्पल की। तुम्हारे पास एक विकल्प है। तुम्हारे मीन्स यू हैव एन ऑप्शन। बात क्लियर? ऑप्शन क्यों लगा है? क्योंकि यहां पास विकल्प की बात हो रहा है और विकल्प ऑप्शन कहलाता है, और ऑप्शन के जस्ट पहले क्या यूज किया गया है? आर्टिकल एन। अंबानी के पास बहुत पैसे हैं। अंबानी हैज क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सिंगल नेम है अंबानी, ठीक है। हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अंबानी हैज अ लॉट ऑफ मनी। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कुछ इन सभी एग्जाम्पल्स की, और ये सभी एग्जाम्पल हम सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। बहुत से लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं, मेरा एक भाई है, उसकी एक बहन है, मेरे कुछ सपने हैं, मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम पोजेसिव शब्द से स्टार्ट करके और लास्ट में है से खत्म करते हैं सेंटेंस को, और ऐसे सेंटेंसेस को हमको सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मानना पड़ता है, और इसके लिए हमको हैव हैज ट्रांसलेशन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। उसका एक प्रश्न है। किसका? उसका मीन्स सी, लड़की है तो लड़का है तो ही, ठीक है। ही और सी के साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद हैव हैज क्या लगता है? ही और सी के साथ हैज, क्या लगाएंगे? हैज, ठीक है। सी हैज या फिर ही हैज,
क्वेश्चन, ठीक है। मेरी एक छोटी बहन है। किसकी? मेरी, मीन्स आई हैव अ यंगर सिस्टर, बात क्लियर। उसका एक सपना है, मीन्स सी हैज अ ड्रीम। मेरे कई दोस्त हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। इस तरीके से सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने होंगे हैव और हैज के टॉपिक में, बात क्लियर। और कोई अगर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद से डू और डज, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव आपको यूज करके आपका जो भी आर्टिकल होगा नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आपको आरपी यूज करना है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव द टाइम। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, सी डज नॉट हैव चेंज मनी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। इस तरीके से आप सेंटेंस नेगेटिव के बना सकते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेना होगा, मींस स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है आपका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ए एन द नाउन ऑब्जेक्ट आरपी क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का जवाब है, डू यू हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ए एन द नाउन ऑब्जेक्ट आरपी क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास आंसर नहीं है, डू यू नॉट हैव आंसर। क्या तुम्हारा एक दोस्त नहीं है, डू यू नॉट हैव अ फ्रेंड। इस तरीके से सेंटेंस आप इंटरोगेटिव में बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम WH की। WH में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, WH लिख करके आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज कर देना है, वो आपका WH का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास क्या है, वॉट डू यू हैव। उसके पास इतना पैसा कैसे है, हाउ डज सी हैव लॉट ऑफ मनी। उसके पास क्या है, वॉट डज सी हैव। इस तरीके से सेंटेंस आप WH के बना सकते हैं। WH नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, WH प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है, उसके पास क्या नहीं है, वॉट डज सी नॉट हैव। उसके पास पैसे क्यों नहीं है, वाई डज सी नॉट हैव मनी। तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, वाई डू यू नॉट हैव द कार। इस तरीके से सेंटेंस आप WH नेगेटिव के भी बना करके अपने सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात हो रही थी हमारी आज के टॉपिक हैज और हैव की, जो दो आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था।